can I talk to you? Papa, I want to know who are my real parents. We are your real parents. No, you are not. That you are not my daughter. No, but I know that you are lying. You are not my real parents. Mujhe apne real parents se milna hai. Why did you lie, Papa? Beta, ek baat suno, beta. Meri baat suno. Beta, hum ek anaathalay mein gaye the. आश्रम वहां हमने तुमको देखा, वहां से हमने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया बेटा। और अनाथालय वाले कभी किसी को नहीं बताते कि कौन किसका बच्चा है, कौन छोड़ गया है, कौन रख गया है उनको। और पापा मुझे जानना है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने क्यों छोड़ा। बेटी मेरी बात सुनो, जो पता ही नहीं कौन है पेरेंट्स, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं बेटा। हमने सारी जिंदगी कभी बस उस एक पेपर से तुम मेरी बेटी नहीं रही, उस पेपर को देख लिया तुमने। पापा ऐसा नहीं है, बट मुझे जानना है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे पिछले वाले पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। नहीं बेटा, I love you. You are my daughter, बेटा. You are my daughter. All my life, have you ever felt that I am not your father? पापा मेरे मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हें जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ? नहीं पापा, पर नहीं मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक ध्यान से सुनो। क्या पता उन लोगों की क्या मजबूरी थी, मुझे जानना है। नहीं, कभी कोई नहीं बताएगा बेटा। हमने हजार बार उनसे पूछा कि इसके पापा मम्मी कौन हैं, उनकी क्या मजबूरी थी। क्या पता वो लेडी जो थी, शी बिकेम प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज और समबडी लेफ्ट हर, समबडी बिट्रेड हर, किसी की मजबूरी बेटा, उनकी मजबूरी होगी ना बेटा। कोई अपनी औलाद को छोड़ता है कभी? पापा उन्होंने तो छोड़ा ना मुझे, क्यों? कोई कारण रहा होगा ना बेटा, समाज के डर से उसको इतनी तकलीफ हुई होगी अपनी बेटी को छोड़ने के वक्त उस औरत को। लेकिन हो सकता है उसकी शादी नहीं हुई हो सकता है वो उस कंडीशन में ना हो कि वो तुम्हें पाल सकती हो, तुझे मारने के बजाय उसने जिंदा रखा ना। बेटा एक बात बता, उसने हमारे लिए तुम्हें जिंदा रखा ना बेटा? तुम मेरी बेटी, उसने मेरी विल लिखी हुई है कि मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। तुम उसको देखती, तुमने ये पेपर देख के अपने आप को डिस्टर्ब किया। जिंदगी में कभी ऐसा तो नहीं करूंगी तुम्हारा? नहीं बाबा। मुझे बताओ,
तुम मेरी बेटी हो। आगे से कभी जिंदगी में ये सवाल मत करना बेटा, वो लोग कभी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, उनको मालूम ही नहीं कौन छोड़ते। बस जो इंसान आता है उनके पलने में एक छोटे से नन्हे से बच्चे को छोड़कर एक स्लिप छोड़ के चला जाता है कि ये इसका जन्मदिन है, ये इसका समय है, और कुछ नहीं बताते बेटा। उसके उनका क्या क्या उनकी मजबूरी रही होगी ना बेटा, लेकिन उसने एक अनाथ आश्रम में छोड़ा, एक जिंदगी में तुम्हें एक इतनी रिस्पेक्टेबल जिंदगी दी उन्होंने। उन्होंने कही जैसे लोग अपने बच्चों को मार देते हैं, उसने मारा तो नहीं, उसने मारा तो नहीं ना तुमको, मेरे लिए छोड़ा ना उसने। Love you, बेटा। तो ऐसा नहीं सोचोगी बाबा।